कानपुर में 28 महीने से वेतन न मिलने से लाल इमली कर्मचारी परेशान चल रहे हैं। उस पर काम का और बोझ लाद देने से हार्ट अटैक से एक कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत से भड़के साथी कर्मचारियों ने रोड जाम कर हंगामा किया। बवाल पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास करती रही। क्या नाम है आपका? राजू ठाकुर, कर्मचारी यूनियन से। क्या है मामला? अनवरत मौतों का सिलसिला जारी है। 28 महीनों से तनख्वाह नहीं है, गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। अधिकारियों के भी नॉलेज में काफ़ी दिनों से डाल रखा हुआ, अधिकारी यहाँ पर समय से आ नहीं रहा है। आज ये 15 दिनों के अंदर तीसरी मौत है, ये हमारे साथी अधिकारी की मौत है। उस पर हम लोगों ने आज जब अकस्मात ये मौत हुई है तो हम लोगों ने यहाँ रोड जाम किया कि हमारे अधिकारी यहाँ पर आकर के इसका निस्तारण करें। लाल इमली कर्मचारियों को 28 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिस कारण कर्मचारियों में रोष है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। उसके अलावा काम का बोझ और बढ़ाया जा रहा है, इसी कारण काकादेव निवासी अनूप यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिछले 15 दिनों में तीसरी मौत, जिसमें पूर्व सांसद जगदीश अवस्थी के बेटे राजू अवस्थी की भी मौत हो चुकी है। कर्मचारी की लगातार हो रही मौत से नाराज कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया, शव को सड़क पर रख कर रोड जाम कर दी। कर्मचारियों की मांग है कि प्रबंधक पर मुकदमा हो और कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। फिलहाल कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मीडिया से भी प्रबंधक ने बात करने से इनकार कर दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।